अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और अपना कोर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 28th लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक जो है लास्ट टू और थ्री लेक्चर से हमने स्टार्ट किया हुआ है इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग। इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग हमने इसका एक लेक्चर में इम्पॉर्टेंस देखी थी। फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हैं, वो प्रॉब्लम कंसिडर किए थे और उनका मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो है वो की थी। लास्ट लेक्चर में मैंने एक एल्गोरिदम डिस्कस किया था विच वी कॉल द बी एंड बी ब्रांच एंड बाउंड मैथड फॉर हैविंग द इंटीजर ऑर्डर सोल्यूशन ऑफ ILP प्रॉब्लम्स। ILP प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये खुद से एक प्रॉब्लम है, मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि इस पे स्टेप्स क्या हैं, इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम सबसे पहले इंटीजर वाली कंडीशन जो है वो रिमूव करते हैं, क्योंकि हमने सिंप्लेक्स मेथड एलपी प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा अच्छा डेवलप किया हुआ है विच वर्क्स वेरी वेल। उसको हम यूज करते हुए ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के बाद हम देखते हैं कि सोल्यूशन इंटीजर है कि नहीं है। अगर इंटीजर नहीं होगा सो वी विल मेक दैट सोल्यूशन इंटीजर बाय फॉलोइंग द ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। और उसका बेसिक आइडिया क्या था कि जिस वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू नहीं है उस वेरिएबल के कॉरस्पोंड वी एड द न्यू कंस्ट्रेंट्स। किस तरह बनाते थे कंस्ट्रेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया। वी एड द न्यू कंस्ट्रेंट्स इन द ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम्स, और हमारे पास दो ब्रांचेज आती थी, सब प्रॉब्लम एलपी प्रॉब्लम्स आते थे। उन दोनों एलपी सब प्रॉब्लम्स को हम सेपरेटली चेक करते थे कि किस कौन सा सोल्यूशन जो है इंटीजियर सोल्यूशन देता है। अगर जितने भी डिसीजन वेरिएबल हैं तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं एक सब एलपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से, तो जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू आती थी उसको हम कहते थे कि दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है तो वो अपर बाउंड होती थी। एक फिर दूसरा एलपी प्रॉब्लम देखते थे कि वो बेटर सोल्यूशन दे देता है कि नहीं। बेटर दे देता है तो लोअर बाउंड को मैक्सिमाइजेशन के केस में हम रिप्लेस कर देते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक ड्रॉबैक हमने रियलाइज किया था कि दो सब ब्रांचेस जो आती हैं उनमें से हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी सब ब्रांच जो है हमें पहले इंटीजर ऑर्डर सोल्यूशन दे देगी। अगर एक ब्रांच हमने लास्ट लेक्चर के एग्जांपल में देखा था कि एक ब्रांच अगर हम एलपी टू प्रॉब्लम लेते हैं, एलपी टू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इंटीजर ऑर्डर सोल्यूशन इंस्टेंटली आ जाता है। लेकिन अगर एलपी थ्री प्रॉब्लम लेते हैं तो हमें सेवंथ स्टेप पे ब्रांचेस बनानी पड़ती हैं। सेवंथ ब्रांच पे हमारा जाके जो है सेवंथ स्टेप पे इंटीजर ऑर्डर बेटर सोल्यूशन आता है। तो ये ड्रॉबैक था ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम का, और नाम भी इसीलिए इसका ब्रांच एंड बाउंड है कि नॉन इंटीजर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड वी क्रिएट द ब्रांचेस, और हर ब्रांच को जो कि एलपी प्रॉब्लम होता है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो इंटीजर सोल्यूशन देता है या नहीं देता। आज के लेक्चर में हमने दूसरा सोल्यूशन, इसका दूसरा एल्गोरिदम जो है वो स्टडी करना है। वो उस एल्गोरिदम का नाम है कटिंग प्लेन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को हम अलजेब्राइकली भी करेंगे, और पहले मोटिवेशन जो हमारी होगी वो ग्राफिकली मैं देखूंगा कि ग्राफिकली कटिंग प्लेन एल्गोरिदम जो है वो किस तरह वर्क करता है, और उसके कॉरस्पॉन्ड फिर हम अलजेब्राइकली जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है वो भी यूज करेंगे। याद है आपको डुअल सिंप्लेक्स मेथड हमने ओआर के प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इनफैक्ट डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो था ये उल्टा चलता था। किस तरह के सोल्यूशन तो हमारा ऑप्टिमल होता था लेकिन फिजिबल नहीं होता था, इनफिजिबल होता था। तो हम पहले क्या डिसाइड करते थे, लिविंग वेरिएबल डिसाइड करते थे, फिर हमने क्राइटेरिया रखा था कि एंट्रिंग वेरिएबल जो है वो किस तरह हमने डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये आपने डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
लेकिन हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करना है व्हाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटीजर ऑर्डर सॉल्यूशन और इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ आईएलपी प्रॉब्लम्स बाय कटिंग प्लेन एल्गोरिदम। तो कटिंग प्लेन एल्गोरिदम जो है ये मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज द 28th लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो कटिंग प्लेन एल्गोरिदम जो है इसका फर्स्ट स्लाइड पे ही मैंने जो है एक एग्जांपल ली हुई है। कटिंग प्लेन एल्गोरिदम एज इन बी एंड बी एल्गोरिदम द कटिंग प्लेन एल्गोरिदम आल्सो स्टार्ट्स एट द कंटिन्यूअस ऑप्टिमम एलपी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमें एलपी प्रॉब्लम दिया गया होगा इसको हम ग्राफिकली और बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेंगे। उस सॉल्यूशन को हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है इंटीजर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसको बाय यूजिंग दिस एल्गोरिदम कटिंग प्लेन एल्गोरिदम जो है उससे इंटीजर जो है वो लेके आएंगे। अब ये किस तरह काम करता है? स्पेशल कंस्ट्रेंट्स कॉल्ड कट्स। पिछली बार भी ब्रांच एंड बाउंड में भी हम स्पेशल कंस्ट्रेंट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करके ऐड करते थे, सब प्रॉब्लम्स बनाते थे। इसमें भी स्पेशल कंस्ट्रेंट्स कॉल्ड कट्स आर एडेड टू द सॉल्यूशन स्पेस इन द मैनर दैट रेंडर्स एन इंटीजर ऑप्टिमम एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट ग्राफिकली हाउ कट्स आर यूज टू प्रोड्यूस एन इंटीजर सोल्यूशन एंड देन इम्प्लीमेंट द आइडिया अल्जेब्रिकली। तो ग्राफिकली पहले हम देखेंगे और उसको हम अल्जेब्रिकली फिर किस तरह सिंप्लेक्स टेबलू के साथ करेंगे। और मैंने कहा है कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है ये हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, मैक्सिमाइज जी इक्वल 7x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू दीज टू कंस्ट्रेंट। लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो इजीली हम इसका x1 x2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम देख सकते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन बन रहा है। कंस्ट्रेंट्स जो है प्लॉट कर सकते हैं। आपको जस्ट रिकॉल करवा देता हूं कि -x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 6, ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे हम। उसके बाद 7x1 प्लस x2 इक्वल्स 35, ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे। ये दो इक्वेशंस प्लॉट की गई हैं, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, लाइन है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल रीजन हमारा ये सारा आता है। और ये डॉट्स जो हैं आप देख रहे हैं, ये दीज आर द इंटीजर सॉल्यूशंस, इंटीजर फिजिबल सॉल्यूशन। अभी हमारा नॉन इंटीजर सॉल्यूशन आ रहा है जो कि ये ऑप्टिमल पॉइंट है। इसकी वैल्यू क्या है? x1 इक्वल्स 4 1/2 विच इज इक्वल्स 9/2 एंड x2 इक्वल्स 3 1/2 विच इज इक्वल्स 7/2। और ये इस तरह हमने खुद डेलिब्रेटली लिखा हुआ है फ्रैक्शंस को, 9/2 को 4 × 1/2 लिखा हुआ है और 7/2 को 3 × 1/2 लिखा हुआ है, डेलिब्रेटली लिखा हुआ है। ये अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने ये लिखा हुआ है। अब कटिंग प्लेन किस तरह वर्क करता है कि मैं एक प्लेन फॉर्म कर लेता हूं x2 इक्वल्स 3, ये मेरा कट कर रहा है सोल्यूशन को। x2 इक्वल्स 3 कंस्ट्रेंट ऐड करने से, जिसका मैं कट 1 नाम ले रहा हूं, ये ऐड करने से मेरा x2 जो है वो 3 इंटीजर बन जाता है। ये वाला x2 तो इंटीजर बन जाता है 3, क्योंकि ये एक ही ऑप्टिमल मेरा ये पॉइंट बनता है x2 इक्वल्स 3। लेकिन x1 जो है वो अभी भी मेरा इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन है। 4 क्या है ये? 7 4s are 28 प्लस 4 32/7 है। और बार बार बता रहा हूं कि ये हम अभी पता चलता है कि डेलिब्रेटली आई एम राइटिंग इन सच अ फॉर्म। फिर सेकेंड कट में कट 2 मैं इंट्रोड्यूस करूंगा
कट टू मेरा इस तरह इंट्रोड्यूस मैंने किया कंस्ट्रेंट के वो ये इंटीजर सॉल्यूशन जो था उसके ऊपर से पास कर रहा है, ये इंटीजर सॉल्यूशन जो था यही मेरा नियरेस्ट इंटीजर सॉल्यूशन था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि नॉन इंटीजर था। तो मेरा एक्स वन इक्वल्स फोर और एक्स टू इक्वल्स थ्री, ये मेरा ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन आ गया। अब आप ये फिजिबल रीजन, ये सारा मेरा फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन में आप देख सकते हैं कि मेरा नियरेस्ट जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि नॉन इंटीजर था, इंटीजर पॉइंट जो था वो यही था। और ये हमने दो कट जो है इंट्रोड्यूस करके जो है हमने ये इंटीजर सॉल्यूशन तक पहुंच गए। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है, ये तो ग्राफिकली हम सिंपल प्रॉब्लम था, टू बाय टू सिर्फ टू डिसीजन वेरिएबल्स थे, इसका तो ग्राफिकली विजुअली हम देख सकें कि एक कट हमें ये चाहिए और दूसरा कट हमें ये चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल मोर देन टू हो, थ्री हो, फोर हो, टेन हो, हंड्रेड हो, देन तब तो हम नहीं करेंगे, बाय हैंड भी नहीं कर सकते, मशीन्स विल डू आवर जॉब। तो मशीन्स किस तरह जॉब करेंगी उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसका कि किस तरह हम ये कट्स जो हैं कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे। ठीक है, द कटिंग प्लेन एल्गोरिदम मॉडिफाइज द सॉल्यूशन स्पेस बाय एडिंग कट्स दैट प्रोड्यूस्ड एन ऑप्टिमम इंटीजर एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट जो है ग्राफिकली हमें पता चल रहा है कि ये है। अब इसी प्रॉब्लम को हम जो है देखेंगे कि किस तरह हम जो है अल्जेब्रिकली कर सकते हैं। इनिशियली वी स्टार्ट विद कंटिन्यूस एल पी ऑप्टिमम जो कि z इक्वल्स, अगर ये आपका सोल्यूशन है तो ये वैल्यूज यहाँ पे डालें तो z इक्वल्स 66 1 बाय टू, और इसको सिंप्लीफाई करके हम बना सकते हैं 133 बाय टू। ठीक है, ये 66 बाय 1 बाय टू, एक्स वन इक्वल्स 4 1 बाय टू, एक्स टू इक्वल्स 3 1 बाय टू। नेक्स्ट वी एड कट वन विच प्रोड्यूसेस द कंटिन्यूस एल पी ऑप्टिमम सोल्यूशन z इक्वल्स 62, एक्स वन इक्वल्स 4 4 बाय 7, एक्स टू इक्वल्स 3। अब अगर दोनों इंटीजर हों एक्स वन और एक्स टू, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर, 7 × n इंटीजर दैट विल बी एन इंटीजर, 10 × n इंटीजर दैट विल बी एन इंटीजर, तो z भी इंटीजर होगा। लेकिन ये काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल रही है कि z तो इंटीजर है लेकिन आपका सोल्यूशन जो है वो दोनों इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ एक हिंट है कि अगर z इंटीजर ना हो देन यू आर श्योर कि आपका इंटीजर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर z इंटीजर आ जाए देन द सोल्यूशन मे और मे नॉट बी इंटीजर। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बात बताई थी, रिकॉल करवा रहा हूं उसी कि फॉर एग्जाम्पल एक आई एल पी प्रॉब्लम है, उसका z कभी भी 50.5 वैल्यू ले ही नहीं सकता क्योंकि उसके कॉफिशंट्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स ही आएंगे। या फिर मैं z दे दूं आपको, सिर्फ z दे दूं 10x1 + 5x2, और मैं ये कहूं कि आई एल पी प्रॉब्लम है, इंटीजर लीनियर प्रोग्राम है और z इक्वल्स 60.5 आ रहा है, इज इट पॉसिबल? दिस इज इम्पॉसिबल फॉर दिस कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये एम्फोसाइज कर रहा हूं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। देन वी एड कट टू, कट वन एड करने से हमारा सोल्यूशन फिर भी इंटीजर ऑर्डर नहीं आया, एक इंटीजर बन गया। देन वी एड कट टू विच टूगेदर विद कट वन एंड द ओरिजिनल कंस्ट्रेंट प्रोड्यूसेस द एल पी ऑप्टिमम विच इज z इक्वल्स 58, एक्स वन इक्वल्स 4 एंड एक्स टू इक्वल्स 3। द लास्ट सोल्यूशन इज ऑल इंटीजर एज डिजायर्ड। रिमार्क एट द एडिड कट्स डू नॉट एलिमिनेट एनी ऑफ द ओरिजिनल फिजिबल इंटीजर पॉइंट्स। फिजिबल इंटीजर पॉइंट अगर कोई है उसको एलिमिनेट नहीं करते, बट मस्ट पास थ्रू एटलीस्ट वन फिजिबल
और इनफिजिबल इंटीजर पॉइंट। तो कट्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑलरेडी अगर हमारा इंटीजर सॉल्यूशन है उसको तो नहीं छेड़ रहे, जैसे सेकंड कट हमने इंट्रोड्यूस किया उसने एक्स टू इक्वल्स थ्री इसको तो नहीं छेड़ा, लेकिन दूसरे वेरिएबल को भी इंटीजर बना दिया, यही रिमार्क में लिखा गया। इट इज प्योरली एक्सीडेंटल दैट अ टू वेरिएबल प्रॉब्लम यूज्ड एग्जैक्टली टू कट्स टू रीच द ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन। ये एक्सीडेंटल है, जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल प्रॉब्लम, डिसीजन वेरिएबल आपके अगर सिर्फ दो हैं तो आपको दो ही कट्स चाहिए हों, आपको दो से ज़्यादा कट्स भी चाहिए नेसेसरी हो सकते हैं इन ऑर्डर टू रीच द इंटीजर ऑर्डर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और एक कट भी आपका इंटीजर ऑर्डर सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, ये एक्सीडेंटल है कि टू बाई टू टू डिसीजन वेरिएबल्स वाला हमने प्रॉब्लम लिया है और हमारे पास क्या है कि दो कट्स के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। इन जनरल द नंबर ऑफ कट्स दो फाइनाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इन द सेंस दैट अ प्रॉब्लम विद अ स्मॉल नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट मे रिक्वायर मोर कट्स देन द अ प्रॉब्लम विच हैज लेस वेरिएबल एंड मोर कट्स। ठीक है, ज्यादा वेरिएबल हो तो ये हो सकता है कि कट कम आपको इंट्रोड्यूस करने पड़े, कम वेरिएबल हो तो ये हो सकता है कि आपको ज्यादा कट्स इंट्रोड्यूस करने पड़े फॉर फॉर गेटिंग द इंटीजर सॉल्यूशन। कटिंग प्लेन एल्गोरिथम अल्जेब्रिकली मैक्सिमाइज द सेम प्रॉब्लम विद दिस वन। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लेंगे नॉन इंटीजर, वो हम किस तरह करते हैं बताएं मुझे आप। जी हाँ जी, बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड से। उसके लिए हम ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं इनको इक्वालिटीज में करेंगे, फॉर एग्जांपल माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्वल्स, एक स्लैक वेरिएबल मुझे करना पड़ेगा एक्स थ्री इक्वल्स सिक्स, सेवन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स फोर स्लैक वेरिएबल इक्वल्स 35। अब मेरा स्टार्टिंग टेबल हुआ, आप एक्सपर्ट हैं, आप लिख सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एंट्रिंग वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो जेड इक्वेशन में आपका माइनस सेवन एक्स वन माइनस टेन एक्स टू, ये आपकी जेड इक्वेशन होगी स्टार्टिंग टेबलू में। और मुझे बता सकते हैं स्टार्टिंग टेबलू में एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा होगा मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम में? यस ऑफ कोर्स, मोस्ट नेगेटिव नंबर। अब जेड इक्वेशन में मोस्ट नेगेटिव नंबर किस वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड है? एक्स टू के कोरस्पॉन्ड। सो एक्स टू विल एंटर द सोल्यूशन इन फर्स्ट एटरेशन। ठीक है, फर्स्ट एटरेशन में, ये आज जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं, सिंप्लेक्स मेथड के आपके टेबलू में x2 एंटर करेगा। एनी हाउ यू कैन डू इट, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। गिवन द स्लैक्स x3 एंड x4, फोर कंस्ट्रेंट्स 1 एंड 2 मैंने ऐड करके इक्वेशंस भी बना दी हैं, द ऑप्टिमम एलपी सॉल्यूशन टेबलू इज गिवन एज। ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो टेबलू ये दिया गया। अब इस टेबलू से हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इनफैक्ट इनवर्स हमने डिफाइन किया था ये स्लैक्स के कोरस्पोंड, ये इनवर्स है तो z के कोफिशिएंट्स भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इनवर्स, एंड एवरीथिंग वी कैन गेट ऑफ सिंप्लेक्स टेबलू बाय यूजिंग दिस इनवर्स मैट्रिक्स। ये सोल्यूशन हमें क्या कह रहा है कि z इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए आपको, z इक्वेशन क्या है 63/22 x3 प्लस साइन है प्लस 31/22 x4 इक्वल्स 66/1/2, ये जी इक्वेशन। x2 इक्वेशन सॉल्यूशन क्या है, x2 इक्वल्स 3/1/2 x1 इक्वल्स 4/1/2, ये सोल्यूशन है आपका। ठीक है, x2 इक्वल्स 3/1/2 x1 इक्वल्स 4/1/2 z इक्वल्स 66/1/2 एंड स्लैक वेरिएबल्स जो है इनका वैल्यूज
जीरो जीरो है। अब ये कट किस तरह हमने कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कट्स ये हमने सीखना है। द कट इज डिराइव्ड अंडर द अजम्पशन दैट ऑल द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द स्लैक्स आर इंटीजर्स, ऑल द वेरिएबल्स आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हम यूटिलाइज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। नोट ऑल्सो दैट बिकॉज ऑल द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव कॉफिशंट्स, ऑब्जेक्टिव कॉफिशंट वो भी इंटीजर्स हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो है वो भी इंटीजर आनी चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि विद दिस, जो मैं आज के लेक्चर में भी बताया, पिछले लेक्चर में बताया कि विद दिस जी, दिस सोल्यूशन, इंटीजर ऑर्डर सोल्यूशन हैविंग दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। कोफिशंट्स आर इंटीजर इन दिस एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ जी इज इंटीजर एज वेल, वैल्यू ऑफ जी भी जो है वो एक इंटीजर नंबर ही होगा हमारे इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब है कि हमारा जो है इंटीजर सोल्यूशन नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, क्योंकि x1 और x2 के कोफिशंट जो है वो इंटीजर हैं। अब बेसिक टेबलू मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इक्वेशंस लिख लें। मैंने बेसिक टेबलू से z1 इक्वेशन भी लिखी हुई है, z x2 इक्वेशन जो कि ये है, दिस इज x2 इक्वेशन, दिस इज z इक्वेशन एंड दिस इज x1 इक्वेशन, ये सारे इक्वेशंस जो है मैंने लिख ली हैं। z प्लस 63 बाय 22 एक्स थ्री प्लस 31 बाय 22 एक्स फोर इक्वल 66 वन बाय टू, एक्स टू प्लस जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस 7 बाय 22 एक्स थ्री प्लस 1 बाय 22 एक्स फोर इक्वल थ्री वन बाय फोर, एक्स वन माइनस वन बाय 22 x3 प्लस 3 बाय 22 x4 इक्वल्स 4 3 बाय 2 4 1 बाय 2 सॉरी, ये इक्वेशंस जो है मैंने लिख ली। इनफैक्ट इन इक्वेशंस के कोरस्पॉन्ड आई विल कंस्ट्रक्ट द कट्स, हर इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड। इनफैक्ट z इक्वेशन भी आपको कट प्रोवाइड कर सकती है, तो कट 1 कुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम z इक्वेशन, कट 2 कुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम x2 equation and cut 3 could be constructed from x1 equation. A constraint equation can be used as a source row, usko hum source row kehte hain, jisse hum cut produce karenge, for generating a cut, provided its right hand side is fractional. Right hand side jo hai wo fractional honi chahiye, aur teenon equations ki right hand side fractional hai. We also note that the z equation can be used as a source row. Z equation ko bhi aap source row le sakte hain, cut produce kar sakte hain. Happens to be integer in this example. Is example mein integer ho sakta hai. We will demonstrate how a cut is generated from each of these source rows starting with z equation. तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखना है, फर्स्ट वी फैक्टर आउट ऑल द नॉन इंटीजर कोफिशंट्स ऑफ द इक्वेशन इनटू एन इंटीजर वैल्यू एंड अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, प्रोवाइडेड दैट द रिजल्टिंग फ्रैक्शनल कंपोनेंट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। यानी कि इस 63 बाय 22 को मैं डिवाइड करूंगा सम इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5 बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1 बाय 2, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 5 बाय 2 ही आएगा। माइनस 7 बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 3 प्लस 2 बाय 3, अब इसको सॉल्व करूँ माइनस 7 बाय, अब ये फ्रैक्शन जो है ये पॉजिटिव बनाई गई है, अगर नेगेटिव होगा तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा सच दैट कि वो पॉजिटिव में फ्रैक्शन बने। ठीक है, इस तरह मैं अपने जितने भी फ्रैक्शंस आ रही होंगी उनको इंटीजर प्लस अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इसमें डिवाइड करूंगा। इसलिए मैंने ये ऑप्टिमल टेबलू में वैल्यूज जो हैं इस फॉर्म में लिखी हुई हैं। इस फॉर्म में सीधा सीधा लिखा जाता है 66 प्लस 1 बाय 2,
इस फॉर्म में लिखने का ये फायदा है। ये क्या लिखा जाएगा, 3 प्लस 1 बाय 2, ये 4 प्लस 1 बाय 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो तो पहली मैं z इक्वेशन लेता हूं, उसको मैं फैक्टराइज करूंगा। z इक्वेशन जो है उसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं 2 प्लस 19 बाय 22, ये 63 का मैंने किया, 63 बाय 22 प्लस 1 प्लस 9 बाय 22 पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इक्वल 66 प्लस 1 बाय 2, ये z इक्वेशन हो गई। अब मैंने क्या करना है, मैं ये इंटीजर पार्ट जो है वो LHS पे ही रहने दूंगा और फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो RHS पे ले जाया करूंगा, हमेशा यही करूंगा, ठीक है। मूविंग ऑल द इंटीजर कंपोनेंट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स टू द राइट हैंड साइड वी गेट दिस इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन से ये इक्वेशन हमारे पास z प्लस 2x3 प्लस 1x4 माइनस 66, ये इंटीजर था, इसको भी मैं इधर ले आया और ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट आ गया z इक्वेशन में। अब x3 और x4 जो है ये नॉन नेगेटिव नंबर है, x3 एंड x4 आर नॉन नेगेटिव। 9 बाय 22 ये माइनस साइन है, ये नॉन नेगेटिव का मतलब है कि x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनका सम जो नेगेटिव माइनस लगा हुआ है, अल्टीमेटली दिस कंप्लीट विल बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब ये सारा नेगेटिव नंबर अगर है और प्लस 1 बाय 2 है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बिकॉज x3 एंड x4 आर नॉन नेगेटिव एंड ऑल फ्रैक्शंस आर ओरिजिनली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, द राइट हैंड साइड मस्ट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये नेगेटिव वैल्यू है तो राइट हैंड साइड को ये इनइक्वालिटी जो है ये जरूर सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, ये 1 बाय 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर जितना भी छोटा हो 1 बाय 2 के ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि ये x3 x4 0 हो जाए, तब ये जो राइट हैंड साइड है तब इक्वल 1 बाय 2 के आ जाएगी। अदरवाइज ये कोई भी नेगेटिव नंबर होगा 1 बाय 2 को छोटा ही करेगा, सो दैट नंबर राइट हैंड साइड विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 2, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और 1 बाय 2 पॉजिटिव नंबर है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि x3 भी 0 हो जाए x4 भी 0 हो जाए, उस वक्त इक्वालिटी आएगी, अदरवाइज दिस राइट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है, ये समझ आ गया आपको, और ये बार बार हमने ये यूज करना है। नेक्स्ट, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन दिस वन z इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है ये तमाम, अगर x3 भी इंटीजर है x4 भी इंटीजर है तो z भी इंटीजर होगा, ये सब इंटीजर होंगे, इंटीजर वैल्यू बाय कंस्ट्रक्शन द राइट हैंड साइड ये भी एक इंटीजर ही होगी। अब जब ये इंटीजर होगी तो 1 बाय 2 0.5 है, इससे छोटा इंटीजर जो है वो 0 है, सो दिस इनइक्वालिटी अल्टीमेटली गिव्स मी दिस इनइक्वालिटी। यहां पे 1 नहीं आ सकता, 1 बाय 2 जो है राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा 1 बाय 2 से छोटी है या ज्यादा से ज्यादा इक्वल है। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इंटीजर, इसका मतलब है मेरा राइट हैंड साइड भी इंटीजर होगी। जब इंटीजर होगी, ये इंटीजर होगी, इसका मतलब है कि ये किसी इंटीजर से छोटी होगी, 1 बाय 2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो कौन सा आता है, 0 आता है, सो फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी आई विल हैव दिस इनइक्वालिटी। द लास्ट इनइक्वालिटी इज द डिजायर्ड कट, दिस इज द डिजायर्ड कट and it represents a necessary but not sufficient condition for obtaining an integer solution.
नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है. नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन मैथमेटिक्स में, यह आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. अगर आपको नहीं पता कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस किस तरह इंटरप्रेट की जाती हैं मैथमेटिक्स में, किस तरह इसका क्या मतलब है, तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई भी बुक, बेसिक बुक पकड़ के वहाँ पे जो है उसकी स्टेटमेंट्स और लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जो हैं या हाउ टू प्रूव, वो सेक्शन जो है वो स्टडी करें. आपको पता चल जाएगा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट का क्या मतलब होता है. इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज फ्रैक्शनल कट. ये फ्रैक्शनल कट इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं ये फ्रैक्शनल है, -9/2, 1/2, बिकॉज ऑल इट्स कोफिशिएंट्स आर फ्रैक्शन. अब ये इनइक्वालिटी हमने ऑब्टेन कर ली है अपना मैथमेटिक्स जो है और नॉलेज जो है वो यूज करके. बिकॉज एक्स थ्री इक्वल जीरो है ऑप्टिमल टेबलू में एंड एक्स फोर भी जीरो है, दिस इज 1/2 लेस देन इक्वल टू जीरो. इट सीम्स एब्सर्ड. 1/2 जो है ये जीरो से छोटा तो नहीं होता. इन द ऑप्टिमम कंटिन्यूस एलपी टेबलू गिवन अबव द करंट कंटिन्यूस सोल्यूशन वायलेट्स द कट बिकॉज इट यील्ड्स 1/2 लेस देन जीरो. तो ये कट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ये कंटिन्यूस सोल्यूशन को वायलेट करेगा, इसीलिए ये इंटीजर सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा. दस इफ वी एड दिस कट टू द ऑप्टिमम टेबलू द रिजल्टिंग ऑप्टिमम एक्सट्रीम पॉइंट moves the solution towards satisfying the integer requirement. ठीक है, ऑप्टिमम टेबलू में एक्स थ्री और एक्स फोर की वैल्यू जीरो थी ना, ये हमने पुट किया 1/2 लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये तो ट्रू नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एड हम कट कर देंगे तो वो हमारा जो नॉन इंटीजर सोल्यूशन है उसको इंटीजर की तरफ मूव करवाएगा जबरदस्ती. बिफोर शोइंग How a cut is implemented in the optimal tableau, we will demonstrate how cuts can be constructed from other constrained equation. Consider the x1 row. x1 row जो है optimal tableau से वो ये आ रही है. अब इसके भी ये जो fractions हैं इसको मैं लिखना चाहूँगा. Some integer plus positive fraction. Integer plus positive फ्रैक्शन, इस तरह मैं लिखना चाहूंगा इसको. ठीक है, अब इसको -1/22 को मैं किस तरह लिख सकता हूं. -1 + 21/22, ये आप इसको सॉल्व करें. -22 + 21/22 कंप्लीट, ये -1/22 ही बनता है. 3/22 को, ये ऑलरेडी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इसको मैं 0 + 3/22, और इसको मैं कर भी नहीं सकता डिवाइड क्योंकि 3 को जब मैं डिवाइड करूं 22 पे वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंटीजर पार्ट जो है इसका 0 होगा. 4 1/2, इसको 4 + 1/2, इसीलिए मैंने लॉजिक बताया था कि मैं वैल्यूज़ जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस तरह लिख रहा हूँ. सो जो पहली रिक्वायरमेंट थी फैक्टरिंग द इक्वेशन यील्ड्स x1 + -1 + 21/22 x3 + 0 + 3/22 x4 = 4 + 1/2, ये x1 इक्वेशन आ. अब नेक्स्ट मैंने क्या करना था कि इंटीजर पार्ट एक तरफ और फ्रैक्शन पार्ट दूसरी तरफ. सो आई विल हैव द एसोसिएटेड कट इज दिस वन. अब ये कट मैंने किस तरह निकालना है कि मैंने x1 - x3 - 4 = 21/22 x3 - 3/22 + 1/2. ये अब जैसे z इक्वेशन के लिए मैंने वर्किंग की थी एग्जैक्टली उसी तरह मैं वर्किंग करूंगा. अब ये x3 और x4 जो है, यहाँ पे x4 है, x4 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, x3 > 0 है, x4 > 0 है. सो
right hand side, which is minus 21 by 22 x3 minus 3 by 22 x4 plus 1 by 2, that will be always less than or equal to 1 by 2. Kyunki ye negative number hai aur ye positive, to negative number positive mein add hoga to usko kam hi karega. Maximum ye hai ki x3 x4 zeros ho tab ye equality ho. Ab ye right hand side jo hai, ye jo maine likhi hui hai, ye integers hon. X1 integer hai, x3 integer hai aur 4 bhi integer hai. तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा. ये इंटीजर होगा तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज जीरो, उसके ये माइनस 21 बाय ये इनइक्वालिटी मेरे पास आ जाएगी, 22x4 प्लस 1 बाय 2. जब ये मेरे पास आ गया तो ये देखें, ये एग्जैक्टली ये लिखी हुई है. एंड दिस कंस्ट्रेंट सिमिलरली, दिस इज द कट correspond to x1 equation. Similarly, x2 equation ke correspond mein cut jo hai wo likh sakta hun by writing down this equation as integer plus positive fraction part, aur iska 0 0 hi integer part banega kyunki 7 aur 1 jo hai less than 22. Factoring the equation yields this one. 0 plus 7 x1 equation, और इसके correspond exactly same way से हम जो है cut जो है वो produce कर सकते हैं. That will be the cut corresponding to the x1 equation. अब हमने क्या करना है, तीन cuts जो है वो हमने describe कर दिए. ये third cut corresponding to x1 equation. Any one of three cuts given above can be used in the first iteration of the cutting plane algorithm. It is not necessary to generate all three cuts. Tino cuts generate karne zaruri nahi hai, lekin main chahta tha ki aapko cuts generate karne aa jaye, isliye maine aapko explain kiya hai ki teen cuts kis tarah generate karne. Koi bhi cut jo hai wo hum चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल z इक्वेशन के कोरेस्पोंड कट जो है वो मैंने यहां पे चूज किया है, तो z इक्वेशन के कोरेस्पोंड मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो कि स्लैक वेरिएबल का रोल प्ले करेगा, और वो इनइक्वालिटी जो थी माइनस 7 बाय 22 x3 माइनस 1 बाय 22 x4 प्लस 1 बाय 2 लेस देन इक्वल टू 0, इसमें मैंने स्लैक वेरिएबल प्लस s1 इंट्रोड्यूस कर दिया, ये इक्वेशन बन गई है, और माइनस 1 बाय 2 मैं दूसरी तरफ ले गया, तो माइनस 7 बाय 22 जो इक्वेशन ये बनी हुई है, दैट इज माय कट x3 माइनस 1 बाय 22 x4, और ये मेरा एक कट है जो कि मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबलू जो मैंने बनाया था सिंप्लेक्स मेथड का उसमें मैं ऐड करूंगा ऑप्टिमल टेबलू में. S1, S1 ये है, और उसकी रो जो S1 की रो जो है वो मैंने यहां पे ऐड कर दी. X3 का कोफिशिएंट माइनस 7 बाय 22. X4 का कोफिशिएंट माइनस 1 बाय 22. S का कोफिशिएंट 1 इक्वालिटी माइनस 1 बाय 2. अब मैं चेक करता हूं कि ये अब मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम था ना, z को मैंने मैक्सिमाइज करना था. ऑप्टिमलिटी कंडीशन में अगर लगाता हूं सिंप्लेक्स मेथड की, सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल है. बेसिक वेरिएबल्स की क्या आ रही हैं, x2 equals 3 1 by 2, x1 equals 4 1 by 2, and s1 equals minus 1 by 2. Solution is optimal, but basic variables mein ek variable jo hai wo negative hai. Optimal solution hai, lekin kya hai, infeasible. Infeasible solution.
That's why at the start of my lecture, I told you that I will use the dual simplex method. If you remember, dual simplex method better than optimal solution se start karta hai, lekin infeasible wo solution hota hai aur feasibility ki taraf move karta hai. To iska matlab ye hua ke ye living variable mera dual simplex method mujhe lagana padega aur living variable mera S1 hoga aur entering variable maine decide karna hai. ये आप dual simplex method में मैंने बड़ी अच्छी तरह explain किया हुआ. मैं जो है मैं constraint add करके ये table मेरा आता है जो के -1/2 इसका S1 equals -1/2 basic solution आता है जो के infeasible है. तो मैं dual simplex method apply करूँगा लेकिन मेरा solution optimal है क्योंकि z equation में तमाम coefficients जो हैं वो whether zero हैं या पॉजिटिव है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मेरा है फिजिबल नहीं था. आई विल मेक इट फिजिबल बाय यूजिंग द डुअल सिंप्लेक्स मेथड और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो ये आता है. आप अप्लाई कर सकते हैं टेबलो रिकवर द फिजिबिलिटी. इसमें आप देख सकते हैं x2 इक्वल्स 3 है, x1 इक्वल्स 4 4 4/7 है, 4 4/7 है एंड x3 इक्वल्स 1 4/7 है. ठीक है, इंटीजर अभी भी मेरा नहीं आया. एक तो इंटीजर मेरा बन गया है x2 इक्वल्स 3 लेकिन दूसरी वैल्यू जो है वो अभी भी इंटीजर नहीं आई. इसका मतलब है कि आई हैव टू प्रोड्यूस जनरेट द कट्स. कट्स मुझे जनरेट करना पड़ेंगे और इस ऑप्टिमल टेबलू से मैं कट प्रोड्यूस करूँगा. कोई सी एक z इक्वेशन भी मैं ले सकता हूँ, x2 इक्वेशन भी, x1 इक्वेशन भी, x3 इक्वेशन भी ले सकता हूँ. तो आर्बिट्रेरली लेट अस आर्बिट्रेरी सिलेक्ट x1 इक्वेशन. x1 इक्वेशन जो है वो सिंप्लेक्स टेबलू में जो ऑप्टिमल डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करके मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, x1 इक्वेशन मेरी ये बन रही है. उसके कोफिशियंट को जो है वो मैं इंटीजर पार्ट प्लस अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इस तरह मैं लिखूंगा, -1 + 6/7. ये -1/7 था उसको मैंने -1 + 6/7 में डिवाइड किया और 4 + 4/7 ये तो हमें पता ही था. अब कट के लिए वही मैं टर्मिनोलॉजी जो है लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन कि इंटीजर पार्ट राइट हैंड साइड पे मैं रखूंगा x1 माइनस s1 -4 equals -1/7 x4 -6/7 s1 + 4/7. अब once again x4 and s1 जो है वो positive numbers हैं, तो ये negative, that will be less than or equal to 4/7. अब ये राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगी और दैट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी मुझे -1/7 x4 -6/7 s1 +4/7 लेस देन ये इनइक्वालिटी आती है. और अल्टीमेटली this constraint I will add another slack plus s2 मैं add करूंगा, equation में transform करूंगा. So I am having this cut number 2 which I am going to introduce in the optimal table which I obtained by dual simplex method जो के मैंने cut introduce करने के बाद obtain किया था. अब ये s जो optimal table मेरा आ रहा था पिछली iteration में dual simplex method use करके s2 constraint मैंने कट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया. उसका राइट हैंड साइड जो है -4/7 है, 1 -6/7 -1/7 और s2 जो है वेरिएबल भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपनी z इक्वेशन में विद 0 कोफिशिएंट. वंस अगेन ऑप्टिमलिटी कंडीशन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, पॉजिटिव पॉजिटिव 0 0 और z इक्वल्स 62 पहुंचा हुआ. लेकिन
फिजिबल नहीं है ये, नो फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि एस टू जो है वो मेरा माइनस 4/7 आ रहा है इस टेबलू के अकॉर्डिंगली. तो मेरा लिविंग वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, एस टू होगा लिविंग वेरिएबल, और एंट्रिंग वेरिएबल जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स में से होगा, यानी के एस वन या एक्स फोर में से. डुअल सिंप्लेक्स मेथड में अप्लाई करूंगा, क्योंकि डुअल सिंप्लेक्स मेथड बेटर देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन से स्टार्ट करता है लेकिन इनफिजिबल होता है जैसे मैंने पहले कहा है. तो ऑप्टिमल टेबलू जो है वो ये मेरे पास आता है, विच स्टेट्स दैट एक्स वन इक्वल्स 4, एक्स टू इक्वल्स 3, दोनों इंटीजर हैं, एक्स थ्री भी जो है वो इंटीजर है और एक्स फोर भी इंटीजर है. सो वी हैव रीच द इंटीजर सोल्यूशन, इंटीजर सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है और z की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 58 है. दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड बाय कटिंग प्लेन एल्गोरिदम, कि हर ऑप्टिमल सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप में एलपी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स से सॉल्व करके ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है. जो ऑप्टिमल टेबलू में आपके पास इक्वेशंस होती हैं उनके कॉफिशेंट्स को हम इस तरह लिखते हैं, इंटीजर पार्ट प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, और फिर हम मैथमेटिक्स अपना यूज करते हैं जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. एंड आई फाइंड अ कट, एक कट सिर्फ आपको चाहिए होता है, वो कट आप ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबलू में इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज अ सोल्यूशन. सोल्यूशन तो आपका ऑप्टिमल ही रहता है लेकिन इनफिजिबिलिटी ड्यू टू दैट कट आ जाती है. फिर आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं इनफिजिबिलिटी को रिमूव करने के लिए. इसी तरह आप चलते रहते हैं, अगर आपका इंटीजर सोल्यूशन आ जाए यू विल स्टॉप, वो ही आपका जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा. अगर नहीं आता तो वंस अगेन फ्रॉम द न्यू ऑप्टिमल टेबलू विच आई ऑब्टेन फ्रॉम द डुअल सिंप्लेक्स मेथड, उस पर मैं क्या करता हूं, फिर एक बार फिर जो है वो कट बनाता हूं अपना, कट नंबर टू जो है वो इंट्रोड्यूस करता हूं. और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दो कट्स ही इंट्रोड्यूस करने से जो है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया. लेट्स सी सम ऑफ द रिमार्क्स. रिमार्क्स क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट द फ्रैक्शनल कट अज्यूम्स दैट ऑल द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग स्लैक एंड सरप्लस आर इंटीजर्स. ये तो हमने बड़ी बेसिक हमारा कट, इनफैक्ट इसी तरह ही हमने इस फैक्ट को यूज करके हमारा कट जो है वो बना था. दिस मीन दैट द कट डील्स विद प्योर इंटीजर प्रॉब्लम्स ओनली. द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस अजम्पशन इज इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. कंसिडर दिस कंस्ट्रेंट, एक्स वन प्लस 1/3, एक्स टू लेस देन इक्वल टू 13/2, एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीजर. फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द एसोसिएटिव आई एल पी इंटीजर लीनियर प्रोग्राम, द कंस्ट्रेंट इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन बाय यूजिंग द नॉन नेगेटिव स्लैक एस वन, दैट इज स्लैक इंट्रोड्यूस कर दिया. द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शनल कट अज्यूम्स दैट द कंस्ट्रेंट has a feasible integer solution in all x1, x2 and s1. In tamam mein feasible solution hai, integer solution. However, the equation above will have a feasible integer solution in x1 and x2 only if s1 is non-integer. To ye to masla aa gaya, is tarah ka masla agar aa jayega to kis tarah hum solve karenge. This means that the cutting plane algorithm will show that the problem has no feasible integer solution even though the variables of concern x1 and x2 can assume a feasible integer values. ठीक है, तो ये drawback है cutting plane algorithm का. There are two ways for remedy this situation. इस situation से निकलने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट फेज हैं. वो डिफरेंट फेज क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं. फर्स्ट क्या है,
Multiply the entire constraint by a proper constant to remove all the fractions. For example, last constraint को जो है मैं इससे multiply कर देता हूँ 6 से, तो मेरा constraint scale हो गया. Any integer solution of x1, x2 automatically yields integer slack. तो integer slack मेरे पास आ गया, so I have removed this condition. However, this type of conversion is appropriate for only simple constraints. Simple constraint ke liye appropriate because the magnitude of the integer coefficients may increase largely. Ab machine pe large scale problem agar hoga, to large number ke saath division aur simplex method karne se, maine aapko pehle bataya hua hai kai baar ke round of errors jo hai wo badh jata hai. To round of error may be is tarah ka solution aapko de de jo ke physically possible hi nahi hai. तो सेकेंड स्टेप जो है वो हम करेंगे, यूज अ स्पेशल कट कॉल्ड द मिक्स्ड कट, जिसमें इंटीजर और कंटिन्यूस या रियल नंबर्स जो हैं वो अलाउ किए जाएं, विच अलाउज ओनली अ सबसेट ऑफ वेरिएबल्स टू अज्यूम इंटीजर वैल्यूज विद ऑल द अदर वेरिएबल्स इंक्लूडिंग स्लैक एंड सरप्लस रिमेनिंग कंटिन्यूस या रियल नंबर्स वो हो सकते हैं. तो ये मिक्स्ड कट वाली स्ट्रेटेजी जो है ये मैंने डिस्कस नहीं की, और ये ताहा की ओल्ड बुक में जिसका रेफरेंस भी स्लाइड पे दिया गया 1975 में, उसमें डिस्कस की गई है, इस बुक में डिस्कस नहीं की गई. सो आई विल लीव, ये हमारे कोर्स का हिस्सा भी नहीं है कि हम मिक्स्ड कट जो है वो कंसिडर करें. So we are almost at the end of our lecture. Let me recall you what we have learned in today's lecture. आज के lecture में हमने second algorithm जो है cutting plane algorithm जो है उसको हमने study किया है graphically भी और algebraically भी. In fact algebraically मुझे तो ज़्यादा पसंद है cut को produce करना, क्योंकि mathematics use करना पड़ता है. और we assume that के integer solutions जो हैं आपके डिसीजन वेरिएबल्स के एज वेल एज द अदर वेरिएबल्स जो हैं उनके इंटीजर सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. तो कट प्रोड्यूस करने के बाद हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं कि एलपी प्रॉब्लम्स के से, जो कि इंटीजर की हम कंडीशन उससे वेव आउट कर देते हैं. वेव आउट करने से सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर इंटीजर हो तो स्टॉप, नहीं इंटीजर है तो हमने कट प्रोड्यूस करना है. कट किसी भी ऑप्टिमल टेबलू में से कोई भी इक्वेशन लेके हम कट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, मैंने आज के लेक्चर में तीन इक्वेशंस मेरे पास आ गई थी, x1, x2 की और z इक्वेशंस की. तीनों इक्वेशन के कट प्रोड्यूस करना मैंने आपको बताए हैं, यानी कि थ्री कट्स मैंने बताए हैं. थ्री कट्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं आपने हर बार, अगर सॉल्व आपको प्रॉब्लम करने के लिए आए, आपको सिर्फ एक कट चाहिए होता है. एक कट प्रोड्यूस करके आपने उसको एक कंस्ट्रेंट स्लैक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड एक कंस्ट्रेंट बनाना है, और ऑप्टिमल टेबलू जो आपका आया हुआ है उसमें एज ए इक्वेशन इन्वॉल्व कर देना है. ठीक है, इंक्लूड कर देना है. जब आप इंक्लूड करेंगे आपका टेबल जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो देगा जी का, लेकिन फिजिबल नहीं होगा. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, एलपी प्रॉब्लम्स विच हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन बट नॉट फिजिबल, उसके लिए हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा होगा. फिर आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है अप्लाई करेंगे फॉर हैविंग द फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अलोंग द फिजिबिलिटी जब आ जाएगा, फिर आप देखेंगे आपका सॉल्यूशन जो है वो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर आ गया तो स्टॉप, अदरवाइज यू विल अगेन गो फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ कट, अनदर कट. उस कट के कोरस्पोंड वंस अगेन यू विल प्रोड्यूस अ कंस्ट्रेंट. वो कंस्ट्रेंट जो है अब नया सिंप्लेक्स टेबलू जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करने से हमारे पास आया उसमें आप इंट्रोड्यूस कर देंगे. वंस अगेन यू विल हैव द सेम प्रोसीजर कि आपका सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल होगा लेकिन फिजिबल नहीं होगा. सो यू वंस अगेन यूज द डुअल सिंप्लेक्स मेथड फिजिबिलिटी अटेन करने के लिए. ऑप्टिमल डुअल सिंप्लेक्स मेथड आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा जो कि फिजिबल भी होगा. अगर तो इंटीजर सॉल्यूशन आ जाता है स्टॉप, अदरवाइज यू विल कैरी ऑन क्रिएटिंग द कट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल व्हिच यू हैव ऑब्टेन बाय
ڈول سمپلیکس میتھڈ سے آپ نے اوبٹین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس جو ہے یہ آپ کنٹینیو کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ الگوریدم جو ہے یہ آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا ہوگا, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سالو دا کوشچنس آف آئی ایل پی انٹیجر لینئر پروگرام بائی یور سیلف. اب مجھے اجازت دیجیے گا. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف, یور پیرنٹس اینڈ یور ڈیئر ونز. اللہ حافظ.